यूट्यूब चैनल नॉर इन चैनल और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि प्लाजो की स्टिचिंग हम लोग कैसे करते हैं बहुत ही इजी वे में इजी ट्रिक है ज्यादा सिलाई इसमें नहीं लगती है बस दो तीन स्टिचिंग ही लगेगी ज्यादा इसमें लगती नहीं है और चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए मेरे वीडियो की तरफ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कमेंट करें जल्दी से जाके करें ये हमारा प्लाजो है पहले से हम लोग ने काट के रख लिया है अब हम लोग इसमें ये हमारा फोर पीस में है और इसमें हम लोग सबसे पहले मियानी वाला बना रहे हैं तो मियानी इसमें ऐड करेंगे पहले मियानी को स्टिच करेंगे ये हमारा मियानी है जो हमारा नीचे वाला पार्ट है वो हमारा सीधा रहेगा और मियानी हमारा उल्टा करेंगे तब जाके वो इस तरीके से सीधा होगा तो ऐसा हो जाएगा तो चलिए स्टिच करते हैं पहले मियानी को मियानी को स्टिच कर लेंगे हम लोग पहले ये देखिए डबल स्टिच मार ले रहे हैं हम लोग साथ में ही उसके बाद कटिंग कर ली एक तरफ ऐसे हो गया उसी का सेम साइड भी हम लोग मियानी को स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ ऐसे करके उसके बाद जो हमारा एक और पार्ट रहेगा वो बैक पार्ट उसको स्टिच करेंगे मियानी के साथ अटैच करके इस तरीके से जो हम लोग पहले मियानी अटैच किए थे और एक जो हमारा पार्ट बचा हुआ था उसको लेके इस तरीक़े से हमें स्टिच कर लेना है और इसी तरीक़े से हमें दूसरे स्टिच भी इसी पे इसी के ऊपर लगा लेनी है इधर उधर नहीं इसी के ऊपर ही लगानी है दूसरे स्टिच को भी हमें इस तरीके से लगा ले ये हमारा स्टिच कंप्लीट हो गया है एक साइड का अब हम लोग दूसरे साइड भी इसको ऐसे ही अटैच करेंगे मियानी वाला दूसरा साइड जो खुला था उसको अटैच कर लेते हैं और इस साइड तो हम लोग इसको नारा वाला बना रहे हैं जर्बन वाला तो इसके लिए हमें इसको पूरा स्टिच नहीं करना है एक साथ इसमें थोड़ा सा अलग है जो आगे का रहेगा देखिए हम लोग इसको फोल्ड करेंगे और इसको एक इंची का यहाँ पे गैप रखेंगे जो कि हमारा जर्बन इसमें आ सके और हम लोग इसके बाद इसको फोल्ड करेंगे इस तरीका से देखिए जहाँ निशान लगाए हैं वहाँ तक स्टिच करेंगे नीचे से और ऊपर से वहाँ तक स्टिच करेंगे जहाँ तक निशान लगा हुआ है और इसी के साथ हम लोग इसको डबल स्टिच भी कर लेंगे ये काट दे रहे हैं ताकि ये हमारा खुल जाएगा वहाँ पे हम लोग इसको फिर नारा इसमें डाल सकते हैं आराम से तो इसी तरीके से हम लोग इसमें यहाँ पे बस इतना ही लाइन ही तक जहाँ तक निशान है वहीं तक डबल स्टिच करना है हम लोग को बस ये हमारा हो गया अब हम लोग इधर नीचे से वो फिर से डबल स्टिच कर देते हैं सिंगल स्टिच था तो एक और स्टिच कर देते हैं ये हमारा कंप्लीट हो गया ये जो नारा का पार्ट खोल के रखे थे उसको हम लोग दोनों को ऐसे करके कर लेना है उसके बाद स्टिच करना है दोनों को दोनों तरफ कर लेना है जो हमारा सिलाई था एक साइड से जैसे हम लोग चाक बनाते हैं उस तरीके से चाक बना लेना है ये देखिए ताकि वो मतलब उसमें जाए तो उधर उधर से निकले ना उसमें से तागा इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से बना लेते हैं आप देख सकते हैं इसको उसके बाद हमें इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है ज़्यादा नहीं एक इंची का रखना है ताकि उसमें नारा आराम से आ जाए मैंने एक एक इंची का रखा है अगर आपको इसमें रबर लगाना है तो वो मेरा इलास्टिक लगाने का वीडियो है आप देख सकते हैं जाके बट मैंने इसमें नारा वाला बनाया है इसलिए मैंने इसको एक इंची रखा है इसी तरीके से हमें सारा उसमें पूरे राउंड से सिलाई कर देनी है इसको एक इंची एक इंची पे रख के ये मेरा सिलाई कंप्लीट हो गया है अब हम लोग बॉटम की तरफ चलते हैं हम चलिए अब हम लोग पहले बॉटम बना लेते हैं बॉटम बनाने के लिए बॉटम में मैंने एक, एक ही फोल्ड लगाया है एक इंची का फोल्ड लगाया है ज़्यादा नहीं एक इंची का और इसमें एक ही सिलाई मारा है बस ऊपर की ओर प्लाजो है मेरा इसलिए इसमें एक ही सिलाई रहती है इसलिए ये मेरे एक पैर का सिलाई हो चुका है अब दूसरे बॉटम का भी हम लोग सेम इसी की तरह कर लेंगे जैसे हमने इसमें किया है इस बॉटम को उसी तरीक़े से दूसरे वाले पैर के पैर वाले को भी इसी तरीके से बॉटम में कर लेते हैं हमारा दोनों बॉटम हो गया अब हम लोग साइड्स के जो स्टिच हैं वो लगा लेते हैं जो हमारे कंप्लीट करेंगे स्टिचिंग को एक इंची का भी रख सकते हैं और आप हाफ इंची का भी रख सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने कपड़े लिए हैं तो मैंने एक इंची के लमसम में रखा है और उसको स्टिच कर रही हूँ मैं दोनों कपड़े को अच्छे से मिला के करना है ताकि वो इधर उधर लास्ट में स्टिच में जाके ऊपर नीचे ना हो जाए ना मैंने साइड का स्टिच मार लिया लास्ट में ऐसे पकड़ के मार लेते हैं ताकि ऊपर नीचे वो कपड़ा ना हो जाए अब मैंने इसी को उलट के दूसरे स्टिच इसी के ऊपर कर दिया है ताकि मेरा जो सिलाई है वो मतलब मजबूत हो जाए इसलिए हम लोग डबल स्टिचिंग करते हैं ना ये मेरा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है स्टिच इस, इस तरीके से मैंने पूरा स्टिच कंप्लीट कर लिया प्लाज़ो में अब प्लाज़ो के बाद हम लोग नारे का बनाएंगे कि नारा कैसे बनाते हैं ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करेंगे ऊपर से और साइड से ऐसे फ़ोल्ड करके स्टिच कर देंगे नारा बनाना बहुत ईजी है नारे के लिए आप चाहेंगे तो उसको डेढ़ इंची पे रखिएगा कपड़ा वो तो आपका हो जाएगा ये मेरा नारे का स्टिचिंग हो गया है ये मेरा पूरा प्लाजो कंप्लीट हो गया देख सकते हैं आप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें थैंक यू फॉर वॉचिंग